फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का 7th क्वेश्चन बताएंगे, सिंपलीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज़, मतलब फार्मूले के आधार पर उसे सिंपलीफाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। आइडेंटिटीज़ मतलब फार्मूले का यूज़ करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.83 × 7.83 − 1.17 × 1.17 / 6.66। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ए मान लिए, 7.83 को ए मान लिए, इंटू कर दिए, यहाँ पे भी वो सेम है तो इसको भी ए कर लिए, माइनस अगर इसको बी मान लिए तो बी इंटू बी, और यहाँ पे 66.66, इसको ए माइनस बी, मतलब अगर 7.83 को माइनस करेंगे 1.17 से तो क्या आएगा, 6.66 आएगा। ये क्या बन गया, ए का ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया अपॉन ए माइनस बी, यानी 6.66 स्क्वायर से लिख लेते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 6.66। ए प्लस बी, ए को क्या माने थे हम, 7.83 माने थे, तो 7.83 प्लस बी का वैल्यू क्या थी, 1.17। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या थी 7.83 माइनस बी की वैल्यू थी 1.17 अपॉन ए माइनस बी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.66। अब 7.83 + 1.17 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 9, और 7.83 − 1.17 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 6.66 अपॉन क्या था, 6.66। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, 9 बचा, ये इसका आंसर आ गया। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 185 × 185 − 150 × 115। अगर इसको ए मानिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको बी माने माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या हो 185 है, बी क्या है 115 है, 115 है, मल्टीप्लाई 185 − 115, इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 300, ब्रैकेट कर देते हैं। अब 185 − 115 को जब माइनस करेंगे तो 70 आएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 21000। इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 322 × 322 − 2 × 322 × 22 + 22 × 32। अगर 322 को ए मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए माइनस टू, यहाँ पर कर लेते हैं इंटू 322 को हम ए माने थे ना, तो ए इंटू 22 को बी मान लेते हैं प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए यानी ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया किसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया ये। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ए की वैल्यू क्या थी 322 माइनस बी की वैल्यू क्या थी 22, इसको माइनस करके होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, को सॉल्व करके 300 आ जाएगा और स्क्वायर लगा है, अब स्क्वायर सब का सॉल्व करेंगे तो जाएगा 9,000। और स्क्वायर लगा दिए तो स्क्वायर को सॉल्व जब करेंगे तो जाएगा 90,000 आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया।